आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बिना कार्यों के हुए भुगतान करने पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के तत्कालीन वीडियो दुर्योधन सहित चार पर मुकदमा करवाया दर्ज। कहा, वीडियो दुर्योधन को सस्पेंड करने के लिए शासन को लिखा गया है पत्र, आगे भी चलती रहेगी जाँच की कार्यवाही, दोषी पाए जाने पर की जाएगी कार्यवाही। बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं से गीडा बना उद्यमियों की पसंद, निजी क्षेत्र के 6 निवेशकों की ओर से 1,000 करोड़ रुपए के निवेश है प्रस्तावित। सरकार की ओर से होटल मैनेजमेंट, गारमेंट पार्क, प्लास्टिक पार्क, आईटी पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री का है प्रस्ताव। जिलाधिकारी के निर्देश पर अब जिले के प्रत्येक तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय में हुई 10 बड़े रजिस्ट्री के स्टाम्प को एसडीएम और तहसीलदार प्रत्येक माह करेंगे स्थलीय निरीक्षण। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। डकैती में वांछित 4 अभियुक्तों को ऑपरेशन पाताल के तहत उरवा बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। खोरापार ब्लॉक के छितौनी गांव में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने लगाया चौपाल। कहा, चौपाल में मुख्य शिकायत 100 मीटर रास्ता बनाने के लिए आई थी, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया गया है निर्देश। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 22वीं जूनियर खो खो स्टेट चैंपियनशिप में बिजनौर को 2 अंक से हराकर गोरखपुर बना चैंपियन। खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। कहा, प्रत्येक स्कूल में खेलों को किया जाएगा प्रोत्साहित। नगर निगम की सिटी बसें लगभग 40 लाख रुपए महीना की कर रही हैं कमाई। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने दी जानकारी। कन्या सुमंगला योजना की बैठक सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुरमई गोरखपुर समिति का हुआ गठन। रामगढ़ ताल पर प्रत्येक शनिवार को 4:30 बजे से 6 बजे तक गोरखपुर के विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मिलेगा मौका। मेंबर सेक्रेटरी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। कचहरी चौराहे पर निशुल्क प्याऊ का एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया शुभारंभ। कहा, किसी भी राहगीर को जल पिलाना होता है पुण्य का काम। और बरसात से निपटने के लिए नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, गोड़धुया नाला सहित सभी नालों की तेजी से करवाई जा रही है सफाई, शहर में नहीं होगा जल जमाव।